और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सबसे बड़ी खबर है ये अब तक की। शिवसेना कल पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। सूत्रों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी शिवसेना। शिवसेना और एनसीपी की सरकार को कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी इस बड़ी खबर पर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी के इनकार के बाद शिवसेना की सरकार बनाने की तैयारी। हाँ। तो उनका मुख्यमंत्री कैसा होगा? हाँ। उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। वो बार बार कहते हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो पीछे हट गए तो सरकार कौन बनाएगा, उनका मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? आज ही दोपहर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। मैं कहता हूं अगर उद्धव जी ने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। और सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता एहसन अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहसन, फडणवीस के इनकार के बाद अब शिवसेना की तैयारी सरकार बनाने को लेकर पूरी खबर बताइए जल्दी से और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में नया राजनीतिक समीकरण बन गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में नई सरकार गठन को लेकर बातचीत तकरीबन पूरी हो गई है। महज सिर्फ मोहर लगनी है कांग्रेस आलाकमान की, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी की मोहर महज लगनी बाकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे, जिसमें बाहर से समर्थन कांग्रेस पार्टी देगी। जो मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा वो 50-50 पर बात तकरीबन बन गई है। शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसीपी का होगा, और मंत्रालयों के बंटवारे तक की बातें शिवसेना और एनसीपी के बीच हो गई हैं। अब चूंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में नई सरकार गठन को लेकर राजभवन को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में नई सरकार गठन नहीं करने जा रही है, ऐसे में अब महामहिम राज्यपाल को अगली सबसे बड़ी जो पार्टी है महाराष्ट्र में शिवसेना, उसे नेता किसी भी वक्त मिल सकता है। और शिवसेना एनसीपी की मदद से महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर राजभवन पहुंच सकती है। बिल्कुल, और इस तरह की जानकारी ऐसा सुबह से ही आ रही थी, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये छन-छन कर खबरें आ रही थी, लेकिन अब क्या माना जाए, किस हद तक के क्लियर हो गया है कि एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाने जा रही है महाराष्ट्र में? और एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि कांग्रेस बाहर की तरफ से बाहर से समर्थन दे रही है। हमारे साथ आप रहिए, नित्यानंद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। नित्यानंद, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से घटनाक्रम चल रही है इस वक्त मैं मातोश्री के बाहर हूं। आपको बता दें यहां हलचलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी थोड़े ही समय पहले शिवसेना नेता संजय राउत यहां आए और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके वो यहां से निकले। सरकार शिवसेना कैसे बनाएगी वो ये तो नहीं बता रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, लेकिन किस आधार पर होगा इस बारे में वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में जब बीजेपी ने ये कहा है कि अब वो सरकार नहीं बनाएगी तो गेंद जो है वो शिवसेना के पाले में जाती है, क्योंकि 105 के विधायक दल की बीजेपी के पार्टी के बाद 56 जो है सीट जो है वो 56 विधायक जो है वो शिवसेना के पास है। तो अब शिवसेना आगे की क्या रणनीति अपनाती है देखना ये होगा, क्योंकि खबरें तो हमें ये आ रही है कि अभी तक जो अपडेट है कि शिवसेना की एनसीपी से बातचीत चल रही है, शिवसेना एनसीपी के साथ सरकार बना सकती है, उसमें कांग्रेस बाहर से समर्थन कर सकती है, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिरकार शिवसेना कैसे सरकार बनाएगी। ठीक है, स्थिति स्पष्ट भले ही अभी पूरी तरीके से ना हो, लेकिन जो फिलहाल तस्वीर दिखाई दे रही है वो यही कि अब शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट इस बड़ी खबर पर आप तक पहुंचाएंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।